सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव आज सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई। अंतिम दिन हरियाणा के लोक कलाकार साहब राम एंड पार्टी ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गीता संदेश पर आधारित प्रस्तुतियां दी। वहीं जिला के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भी हरियाणा की संस्कृति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कृष्ण अर्जुन संवाद और भंगड़ा इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अंतिम दिन के इस कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद संजय भाटिया ने दीप प्रज्वलित करके किया और इससे पूर्व उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा 30 स्टॉलों में लगाई गई प्रदर्शनी और निफा द्वारा लगाई गई आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। सांसद ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि गीता केवल कल्पना और साधारण ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वह वाणी है जो व्यक्ति को जीवन की हर चुनौती का हंसकर मुकाबला करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां जैसी भी हों, व्यक्ति को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और निरंतर कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर असंभव नजर आने वाले लक्ष्य को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने गीता संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और ये भी कहा कि गीता की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है। उन्होंने जिला में आयोजित किए गए 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव और प्रदर्शनी के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा की और विद्यार्थियों को अपने जीवन में गीता के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा। तुम ये मत सोचना, अगर आज ये लोग मारे गए तो इनकी आत्मा वापस नहीं आएगी। ये पहले भी था, आज भी है, किंतु जब तुम नहीं रहोगे यह तब भी होगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इसे न तो अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और ऐसा कोई शस्त्र नहीं जैसे काट सके। अगर तुम सोच विचार कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हतो वा प्राप्सि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ पोन्ते युद्धाय कृत निश्चय, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व, नैवं पापं वाप्स्यसि, नैवं पापं वाप्स्यसि। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि आज तुम इस युद्ध में किसी कारणवश मारे भी गए तब भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम हार गए वरना जीत कर तुम साम्राज्य का भोग करोगे। सुख दुख जय पराजय व लाभ हानि को समान समझकर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। हे प्रभु, JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।